मेन उद्देश्य है जो डॉक्टरों की हड़ताल है पूरी राजस्थान के अंदर, जिसकी वजह से पूरी चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। और आप देखोगे तो बाड़मेर अस्पताल का हाल देखो, गाँव में पीएससी सीएससी का सरकारी जितने भी अस्पताल है, डॉक्टर पूरी हड़ताल पे चले गए और उनकी गिरफ्तारी की डर से घर पे भी देखने वाले वो भी बंद हो गए और डॉक्टर भूमिगत है। हालात ऐसे हो गए हैं कि प्राइवेट स्कूलों के नाम से सरकार बात तो कर रही है पर प्राइवेट अस्पताल में कोई इलाज नहीं हो रहा है। पर्ची सीधी महंगी दवाइयों की लिखी जा रही है और बाजार से लेकर जो मरीज है वो अपना बड़ी मुश्किल से, जिनके पास पैसे वो तो दवाई कोई इलाज करा पाएंगे, बाकी गरीबों के हाल बेहाल है। इसमें कई लोग इलाज के कारण ख़त्म भी हो रहे हैं और सरकार ने इस दिशा में जल्दी अगर प्रयास किया और हड़ताल ख़त्म नहीं कराई तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अव्यवस्था हो जाएगी, फिर सरकार में संभलेगी ही नहीं। इसलिए सरकार को चाहिए कि जिद नहीं करें, डॉक्टरों से सकारात्मक वार्ता करें और तत्काल इस हड़ताल को ख़त्म करावाएं। कुछ डॉक्टरों को भी चाहिए कि मानवीयता के नाते खुद अब भी इसमें विचार करें और सरकार और मिल बैठकर इसको ख़त्म करें, ताकि अस्पताल में जिस तरह के हालात है ये हालात बिगड़े नहीं और जनहानि नहीं हो। नहीं, मैं हालांकि मैं यहाँ नहीं गुजरा था, मैं हालात जो टेलीफोन से चर्चा कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये हालात की जानकारी में लेता रहा, तभी तो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसी वजह से बुलाई है कि हालत ख़राब है और हालात फिर काबू में नहीं आएगी, इसलिए ये हालात देखते हुए मैंने आज आपको भी बुलाया है कि तत्काल डॉक्टरों की हड़ताल ख़त्म कराई जाए और मरीजों को राहत तभी मिलेगी जब डॉक्टर काम पे आएंगे, न कि डॉक्टरों को गिरफ्तारी करने से कोई फ़ायदा होगा। डॉक्टर सारे भूमिगत हो गए, घर पे भी जो कोई देखना चाह रहा था वो भी बंद हो गया। इतनी हालात भी ख़राब है, प्राइवेट वाले तो मनमानी वैसे ही है, न प्राइवेट वालों के पास कोई ऐसे आदेश भी सरकार के गए हैं तो वो बाजार की महंगी दवाइयाँ दे रही है जो मरीज ले नहीं पा रहे। लेकिन इतनी व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं है। अब वो मैं कह रहा हूँ प्राइवेट की भरोसे कुछ बीएसएफ के ये डॉक्टर भेजे हैं, उनको पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है, तो क्या इलाज करेंगे वो। तो हालात बदतर कह दिया कि सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है और स्थिति ऐसी भयानक हो जाएगी कि इनमें संभल नहीं पाएगी। तत्काल आवश्यकता है कि इसको हड़ताल को ख़त्म कराई जाए और डॉक्टरों को अस्पताल में लगाया जाए। नहीं, बात तो कलेक्टर से, हालात तो कलेक्टर तो कह रहे हैं, हम कर ही रहे हैं, बात कर रहे हैं, हड़ताल को लेकर कलेक्टर की तो बात ही नहीं, राज्य सरकार से बात करना चाहूँगी। राज्य सरकार का मामला है, कलेक्टर का एक बाड़मेर का नहीं है। व्यवस्थाओं को लेकर तो बात की है, व्यवस्था हम कर रहे हैं, पर व्यवस्था जो हुई है वो नौ मात्र की है, उससे कोई मरीजों को फायदा नहीं हो रहा है। और जब तक ये डॉक्टर की हड़ताल ख़त्म नहीं होगी तब तक हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, इसलिए तत्काल इसको हड़ताल को ख़त्म कराकर डॉक्टरों को वापस लगाया जाए। डॉक्टर की जो डिमांड है वो डिमांड है, सरकार को सहानुभूति पूर्वक उसको देखना चाहिए। क्या डिमांड है डॉक्टर के ऊपर, एक समय दो पारियों में एक पारी की जाए, डॉक्टर के हमें फॉरेन में छूट दी जाए, डॉक्टर कह रहे हैं गाँव में जाने की उसके लिए हमें टीएडीए उसकी और व्यवस्था की जाए, जो इस तरह की जो है बातें, उन बातों में चाहिए कि भाई सरकार ये और ये आपस में मिल बैठकर और इसका समाधान कोई बीच का रास्ता निकाले और तत्काल इस हड़ताल को ख़त्म करें। मैं डॉक्टरों से अपील है कि आप मानवता को देखें कि किस तरह से जनता परेशान है, आप बड़ा हृदय रखें और सरकार से भी कहूँगा कि वो भी इसकी ओर जितनी हो सके इतनी पहल करें और मिल बैठकर इस हड़ताल को तत्काल ख़त्म कराएं, ताकि राजस्थान की जनता को लाभ मिल सके। मैं यहाँ था ही नहीं, शुरू था गुजरा था और रात को आया हूँ और आज मैंने ये सारी जानकारी लेकर ये आपके माध्यम से मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अस्पताल में मैं हालात
जिस तरह के आप सब ने देखा होगा और ऐसे हालात मेरे ख्याल से आज से पहले कभी देखे नहीं होंगे। इसमें तो कुछ कहने नहीं है, सरकार ने इसकी पुलिस जांच कर रही है, अपने आप निष्कर्ष निकल जाएगा, सत्यता सामने आ जाएगी, इसमें कोई विवादित बात ही नहीं है। सत्यता जो भी है सामने आ जाएगी, निष्पक्ष जांच हो। सर ये कोई विधानसभा का मामला नहीं है, आप ये जाति का मामला है, आप जिले के विधायक, तो क्या इन जातियों से दोनों पक्षों से बात हुई आपकी कि भाई क्या मसला है ताकि आप भी सरकार के साथ पक्ष रख पाए, भाई ये गलत है ये सही? नहीं, सरकार से इस बात की बात, सरकार से मतलब नहीं, जांच अधिकारी से इसकी जांच करे, जो दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाए, गलत नहीं हो, गलत फंसे नहीं और कोई दोषी हो तो छूटे नहीं, यही बात है कि इसमें न्याय होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इसमें गलत जांच नहीं होगी और सत्यता सामने आ जाएगी। विधानसभा चुनाव तो अभी गुजरात में चल रहे हैं, नहीं राजस्थान आने वाले की ज़्यादा वक्त नहीं है, राजस्थान में गुजरात के बाद में। गुजरात की क्या स्थिति है? गुजरात में हम तो मान रहे हैं गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरे प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पूरी टीम लगी हुई है। आपके सीनियर लीडर कितने कमजोर है, ये कोई सीनियर लीडर भी नहीं मान रहे हैं, कमजोर है कांग्रेस, वहाँ मजबूत है। और आप देखोगे अंदर अंदर से लोग सारे दुखी है, अंदर टेरर है, लोग डरे हुए हैं, इसलिए आप देखना अंदर करंट जनता इस भारतीय जनता पार्टी के जो 22 साल का वहाँ राज चल रहा है उससे दुखी है और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। राज्य और केंद्र में आने के सपने देख रही है, दूसरी तरफ आपका बहुमत होने के बावजूद भी सिवाना में आपके हाथ से प्रधान की सीट चली गई, कितनी शर्मनाक बात है कि बहुमत होते हुए भी कांग्रेस अपनी सीट नहीं बचा पाई। दुख होता है थोड़ा बहुत भी कि इतनी स्थिति हो गई कि इतनी फूट है कि बहुमत होने के बावजूद भी हमारे हाथ से छीन की लड़ाई चली गई। नहीं, ये बात जरूर है, इस बात में सहमत है कि हमारा बहुमत होते हुए भी ये हमारे हाथ से सीट चली गई, हमें इस पर मंथन करना चाहिए, विचार भी करना चाहिए कि ऐसा जो हुआ है पार्टी के लिए नुकसानदायक है और इस पर हमें विचार करना चाहिए। सर आप भी बताया जा रहा है कि एक बार बातचीत करने के लिए गए थे जब गरिमा राजपूत प्रधान थी तब मध्यस्थता करने गए थे, तो चूंकि आप इसका हिस्सा रहे हुए हैं इस पूरे प्रकरण का, तो आपको क्या लगता है कमियां कहां कहां रही जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा नुकसान हो रहा है? कमियां तो दोनों की अधर्मिता रही। किन की? प्रधान गरिमा की भी रही और कुछ जो डेलीगेट्स थे उनके आपस में कुछ तनाव था और उस वजह से इनके आपस में संबंध खराब हुए। हमने प्रयास किया कि भाई दोनों को मिल बैठकर समझाने का प्रयास भी किया पर वो बात बैठी नहीं। हमारे सीनियर लीडर भी उसमें हरीश जी, हमारे पूर्व सांसद, अन्य जिला अध्यक्ष, अन्य नेता, सारे सभी ने प्रयास किए परंतु प्रयास सफल नहीं हुए। सर गरिमा राजदूत को हटाने के बाद वापस चुनाव होने तक इतना लंबा वक्त बीता, क्या एक राष्ट्रीय पार्टी इतना डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई कि 4-5 महीने में अपने जो वोट है उनको संरक्षित कर पाए ताकि वो किसके नहीं आते? अभी हमारी सरकार है नहीं, सरकार है और सरकार तो कुछ हद तक जा सकती है, इसलिए कोई इस बारे में कमेंट्स नहीं करना चाहता। रिफाइनरी की बात करें सर तो पचपदरा में एक आंदोलन हुआ है नमक की जो खाने बचाने का आंदोलन, कांग्रेस रिफाइनरी के पक्ष धर रही है, अब खान आंदोलन शुरू हो रहा है, किसके पक्ष में हो, रिफाइनरी या खान? रिफाइनरी के पक्ष में है, रिफाइनरी लगनी चाहिए, खान मालिकों का कोई हक है तो उनको मुआवजा मिले, उनको कहीं शिफ्ट करे। और रिफाइनरी जो राजस्थान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो हम सब के सपने हैं, वो रिफाइनरी का काम जल्दी शुरू होना चाहिए और कार्य जल्दी शीघ्र शुरू करें, यही चाहते हैं।